मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रथम बार दमोह आगमन हुआ, जहां तहसील ग्राउंड के प्रांगण में आयोजित एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं मंच पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की उपस्थिति देखी गई। यहां पर जो समर्थक है अपने अपने नेताओं के वह नारेबाजी करते देखे गए, और आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार की स्थिति यहां दिखलाई दे रही है। आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, बहुत खुशी हुई आज दमोह आकर। मुझे तो बड़े संक्षेप में आपसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे अभी रीवा जाना है। मुख्यमंत्री कमलनाथ की जनसभा में जो भीड़ आई वह आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अधिकांश भाग खाली है, रिक्त दिखलाई दे रहा है, कुर्सियां एकदम खाली है। और हम आपको यह बतला दें कि कुछ माह पूर्व यह वही प्रांगण था जहां पैर रखने को जगह नहीं थी, और 3 माह में ही यह स्थिति दिखलाई दे रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के नेताओं के चेहरों से हवाइयां उड़ती देखी गईं। आप स्वयं देखिए और सुनिए, यह कमलनाथ इस समय संबोधित कर रहे हैं मंच से, और कुर्सियों पर कितने लोग बैठे हुए हैं, कितनी कुर्सियां खाली हैं, यह आपके सामने दिखलाई दे रही है। और मध्य प्रदेश में जो विश्वास नहीं था, कोई निवेश नहीं आया, बच्चे उद्योग लगते नहीं थे मध्य प्रदेश में, उससे ज्यादा उद्योग बंद हो जाते थे। और आपको मोदी जी के नारे याद है, मोदी जी के 5 साल पहले के नारे याद है, मेक इन इंडिया याद है, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया। और आइए अब हम उन तख्तियों को दिखलाते हैं जिनमें मंत्री के बदले मंत्री के नारे लगाकर लोग हाथ में लेकर आगे बढ़ रहे थे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार पैरों के तले वो डली हुई तख्तियां हैं, जिसमें मंत्री के बदले मंत्री, राहुल को मंत्री बनाओ के नारे लिखे हुए थे और नारेबाजी कर रहे थे उनके समर्थक। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं यह नजारा, जो कुछ ही देर में हवा हो गया मंत्री के बदले मंत्री देने का, और पैरों के तले कुचली जा रही हैं यह तख्तियां, राहुल का नाम, ये नारे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं किस प्रकार राहुल के समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं किस प्रकार की स्थिति यहां दिखलाई दे रही है। मंत्री के बदले मंत्री दो के नारे लगाने वाले यह विधायक राहुल सिंह के समर्थकों ने कुछ ही देर में यह तख्तियों को सड़कों पर फेंक दिया, और फिर पैरों के नीचे किस प्रकार यहां पर कुचली जा रही है आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर आपको हम यह दृश्य भी दिखला रहे हैं जहां पर महिलाएं जो आई हुई हैं उनको अपने सूखे कंठों को गीला करने के लिए होटलों का सहारा लेना पड़ा। क्या कहती हैं वह महिलाएं, आइए हम आपको सुनवाते हैं। समाचारों के लिए देखते रहिए LNB TV, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज। नमस्कार।